हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी कैम क्लासेस में और आज बहुत दिनों के बाद में शायद ऐसा हो रहा होगा कि हम लोग जो हैं आप लोग मेरा फेस नहीं देख पा रहे हैं और नॉर्मली एक वीडियो जो है वो अपलोड होने वाला है ठीक है तो आवाज़ पहचानते हैं आप लोग आप लोग मनी कैम पे हैं और आज का वीडियो स्पेशल है आप लोगों के लिए क्योंकि आज जो मैंने किया है वो कुछ अच्छा करने की कोशिश की है और वह है कि ट्वेंटी प्लस बाई नेम रिएक्शन जो है मैं आप लोगों को देने वाला हूँ आप तो हो सकता है कि वीडियो लंबा चले काफ़ी लंबा चले तो जो अगर ऐसा है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिए कॉपी पेन ले लीजिए साथ में बैठ जाइए और जो मेन बात है इस वीडियो के बारे में वो ये है कि इसमें किसी भी किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज़म को बताया नहीं जाएगा ठीक है इसमें केवल हम लोग क्या करेंगे इसमें केवल हम लोग रिएक्शन का स्टेटमेंट देखेंगे उस रिएक्शन की क्या कैसे रिएक्शन होती है क्या प्रोडक्ट आता है हम सारी बातें देख लेंगे क्योंकि आप लोगों को

एल्किल एल्किल हैलाइड का मतलब आर एक्स रिएक्ट विद सोडियम मेटल अगर सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होगा अच्छा इन प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस ऑफ ईथर की प्रेजेंस दी गई

की प्रजेंस है दोनों सीएल निकलेंगे और दोनों सीएल निकल करके किससे जुड़ जाएंगे एन ए सी एल बना दे देंगे और आपके क्या होगा सी एस थ्री और सी एस थ्री के बीच में आपका सिंगल बॉन्ड बनेगा दैट इज सी टू एच सिक्स जो कि क्या है जो कि एक एलकेन है ठीक है अच्छा दूसरी बात अगर हम लोग रिस्पेक्टेड रिस्पेक्टेड एलकेन जो नंबर ऑफ आर है वो अगर बढ़ाते जाते हैं तो हम लोगों का क्या होता जाएगा देखो मैकेनिज्म भी लिख दी मैंने नीचे कि जो आर एक्स होता है आर एक्स वो क्या करेगा एन ए से रिएक्ट करेगा तो एन ए से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा ये वाला एन ए इस पर अटैक करेगा जा करके और इसको यहाँ से निकाल देगा क्या बना देगा एन ए एक्स बना देगा तो ये क्या मिला आपको रेडिकल मिला क्या मिला रेडिकल ठीक है अब जब रेडिकल मिला तो एक ऐसा ही रेडिकल दूसरी जगह से आएगा और दोनों रेडिकल आपस में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है लेकिन चार्ज नहीं है तो आपस में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे और सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो आपका क्या बनेगा भाई क्या बनेगा एलकेन बनेगा ठीक है वुड्स रिएक्शन क्लियर है चलो एक बार देख लो पूरी क्या है ऊपर से नीचे तक पूरी देख लो और बढ़ते हैं दूसरी पर ठीक है तो नेक्स्ट रिएक्शन हम लोगों की कौन सी है वुड्स फिटिंग रिएक्शन वुड्स फिटिंग वुड्स फिटिंग में कुछ अंतर नहीं आता है बिल्कुल वुड्स रिएक्शन जैसी है बस क्या अंतर आता है कि एल्किल एंड एरिल हैड ले लो ठीक है पिछली वाली में क्या लिया पिछली वाली में हम लोगों ने लिया था एल्किल हैलाइड एंड एल्किल है इस बार क्या कर रहे हैं एक एल्किल है ले रहे हैं एक एरिल है ले रहे हैं ठीक है एक आर एक्स है एक पी एच एक्स है या फिर दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं एरिल हैड हो सकते हैं अगर ये रिएक्शन करते हैं किसके साथ में सोडियम मेटल के साथ सेम कंडीशन है ईथर की प्रेजेंस रहेगी तो क्या होगा भाई हमें पता है कि जो एन होगा जो एन होगा वो दोनो, दोनों दोनों सीएल को निकाल देगा और क्या बना देगा एनए बना देगा तो देखो यहाँ पर क्या हुआ यहां पर क्या हुआ यहाँ पर इस वाला सी एस थ्री जुड़ गया के जाकर के, इस वाली बेंजीन रिंग से ठीक है तो क्या बन गया आपका ये बन गया टालुविन बना बेसिकली है ठीक है अच्छा अगर दोनों के दोनों एरियल ने क्या पढ़ा दोनों के दोनों एरियल हेलाइट ले लो तो एरियल होंगे तो क्या होगा तो क्या होगा देखो यहाँ से ये इतनी चीज निकलेगी क्या निकलेगी टू एन अब यहाँ पर बना रेडिकल है, यहाँ पर बना एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आया एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आया ठीक है तो दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड तो क्या बना, बना, कंपाउंड ठीक है, तो है आपकी फिटिंग सारी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए और जितने एग्जाम आते हैं उन सबके लिए तो फटाफट से देखो क्या लिखा है स्टेटमेंट आर एक्स एंड पी एच एक्स और पी एच एक्स एंड पी एच एक्स दोनों के दोनों रिएक्ट करते हो किससे किससे रिएक्ट करते हो सोडियम मेटल से रिएक्ट करते हो प्रेजेंस ऑफ ईथर तो क्या बनेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और डाइफेनिल कंपाउंड्स आर फॉर्म क्लियर लिखा है ना या तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनेंगे जैसे कि डालोविन बना और या फिर डाइफेनिल कंपाउंड बनेंगे जैसे कि ये बना दोनों बेंजीन रिंग आपस में आकर के जुड़ गई ठीक है क्लियर वर्ड्स फिटिंग क्लियर है नेक्स्ट पढ़ते हैं नोट कर रहे हो तो नोट कर लो दो सेकंड दे रहा हूँ पॉज करो वीडियो को नोट करो ठीक है चलिए अगली पर आते हैं तो अगली कौन सी है बहुत मानी जानी रिएक्शन है फ्रेंकलैंड सेम रिएक्शन ठीक है एल्किल हैलाइड की 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 रिएक्शन है 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 बस जिंक जिंक जगह जगह कौन आ जाता है? सोडियम की कौन आ आ आ जाता 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 सॉरी सोडियम ठीक है तो सोडियम की भाई थी प्लस केवल एक प्लस और जिंक की कितनी है जिंक की है भाई डबल प्लस तो अगर डबल प्लस है तो क्या दो जिंक की जरूरत पड़ेगी क्या दो जिंक की जरूरत पड़ेगी तो कहोगे नहीं सर हमें कितने जिंक की जरूरत है केवल एक जिंक और देखो एक ही जिंक सारा काम कर रहा है कैसे करेगा कि वेन आर एक्स वेन RX, RX का मतलब समझ गया विद जिंक जिंग फॉर्म एल्केन्स, अच्छा देखो इतना बढ़िया रिएक्शन जिंग करता है कि यहाँ पर इथर की प्रेजेंस की भी जरूरत आपको नहीं पड़ी नॉर्मली ही हो गई तो क्या बनेंगे बनेंगे तो भाई एल्केन ही एल्केन बनेंगे यानी कि ये वाला जेडन क्या करेगा ये वाला जेडन क्या करेगा ये इतना निकलेगा देखो जेडन सी एल टू क्या निकला जेडन सी एल टू तो बच्चा होगा जाहिर सी बात है कि सीएस थ्री बच्चा होगा रेडिकल बचा होगा और यहाँ पर भी सी एस थ्री बच्चा होगा रेडिकल बच्चा होगा तो दोनों रेडिकल शेयरिंग करेंगे सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी एस थ्री दट मीस सी टू एच सिक्स बहुत बढ़िया समझ में आ गया इसी तरीके से अगर हम लोग क्या करते हैं सी टू एच फाइव बी आर लेते हैं सी तो देखो रिएक्शन इस तरीके से भी लिख के दे सकता है कैसे दे दिया कि उसने दो मॉलिक्यूल अलग अलग नहीं लिखे उसने एक बार में लिख दिए टू सी टू एच फाइव बी आर और जिंक से रिएक्शन है तो जैसे ही आपने ये कंडीशन देखी आपको पता है कि जेड एन बी आर निकल जाएगा जेड एन बी आर टू निकल जाएगा और सी टू एच फाइव सिंगल बॉन्ड सी टू एच फाइव क्या बनेगा सी C... टू एच फाइव पर रेडिकल आएगा और सिंगल बॉन्ड सी टू एच फाइव बनेगा तो देखो सी फोर और एच कितने दस ठीक है तो क्या प्रोडक्ट बना सी फोर स्टैंड बहरहाल है ये एल के एन सी क्लियर तीन हो गई काफी पढ़नी है इक्कीस रिएक्शन है तीन हुई है अभी तो बिल्कुल भी एनर्जी मत खोना अपनी और चलते हैं तीसरी पर अगली पर अगली है भाई हेलोफार्म रिएक्शन बहुत अच्छी रिएक्शन है रीज़न है उसका रीज़न है क्योंकि आपने अभी अभी मुझसे क्या पढ़ा है अभी अभी, अभी आप लोगों ने क्लोरोफॉर्म पढ़ा है तो अगर आपने क्लोरोफॉर्म पढ़ा तो अगर सर जी वहाँ पर आपने ये प्रिपरेशन मेथड तो नहीं बताया था तो इसीलिए नहीं बताया क्योंकि हम लोगों को हेलोफॉर्म ही ऑलरेडी पढ़ना था चलिए देखिए क्या होता है

कि अगर हमारे कंपाउंड में आर सी ओ सी एस थ्री हो या फिर एच सी ओ सी एस थ्री हो ठीक है यानी ओवरऑल बात यह है कि सी ओ सी एस थ्री ग्रुप होना ही चाहिए ये सी ओ सी एस थ्री तो होना ही चाहिए या फिर क्या हो सी एस थ्री सी एच आर और कहाँ पर लगा है ओ OH एच लगा यानी कि अल्कोहल हो सकते हैं बट अल्कोहल का जो ओ OH एच है वो टर्मिनल पे नहीं होना चाहिए बनाओ पॉइंट दिमाग में अगर ये टर्मिनल पे है तो रिएक्शन नहीं होगी तो क्या करते हैं अगर ऐसे

ठीक है तो अगर एसीटोन लिया है तो देखो एस थ्री एस थ्री था मिला, मिला, मिला? आइडोफॉर्म आइडोफॉर्म साथ में निकलिया हमारा क्या निकल गया एन ए आई निकल गया सी एस थ्री सी डब्लो एन कि सोडियम का सॉल्ट निकल गया और साथ में क्या निकल गया वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया देखो जो नीचे वाली दूसरी वाली रिएक्शन है ना ये दूसरी वाली रिएक्शन ये देखो किसके लिए है अल्कोहल के लिए है तो देखो क्या है यहाँ पर देखने में तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि जो सी एस थ्री सी एस टू ओ एच है अब यहाँ पर ये वाला आर जो है ये वाला आर ये हाइड्रोजन भी होता तब भी काम हो जाता ठीक है तो हाइड्रोजन भी होता तब भी काम हो जाता हम लोगों का तो सी एस थ्री सी एस टू ओ एच है और चार सी एल टू के साथ रिएक्शन कराएंगे अब नीड हमें यहाँ पर जाहिर सी बात है चार एन एच काम तो चलना नहीं है सिक्स एन एच के साथ जाएंगे और रिएक्शन को हीट भी करना पड़ेगा जब ऐसा करेंगे तो देखो सामने क्या बन रहा है सामने बन रहा है सी एच सी एल थ्री ठीक है प्लस पाँच एन एस प्लस एस टू निकल रहे हैं और क्या निकल रहा है सॉल्ट निकल रहा है तो ये कैसी रिएक्शन है एक ऐसी रिएक्शन है जिससे हम लोग क्या बना सकते हैं हेलोफॉर्म्स को बना सकते हैं हेलोफॉर्म्स का मतलब कोई भी हेलोफॉर्म बनाया जा सकता है यहां से क्लोरो ब्रोमो या फिर आइडो ठीक है समझ में गई रिएक्शन पूरी चिल नोट करते रहो कॉपीज पर और चलते हैं फिफ्थ रिएक्शन की तरफ ठीक है पांचवी रिएक्शन कैनिजारो कैनीजारो तो सबने ने सुना होगा नाम सबने सुना होगा हंड्रेड एंड टेन परसेंट नाम सबने सुना होगा अगर कभी वाइवा देने जाओगे ना तो सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली रिएक्शन है ये कौन सी कैनिजारो तो चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ स्टेटमेंट क्या कह रहा है कह रहा कि है कि द एल्डिहाइड विच डोंट हैव द एल्फा हाइड्रोजन यहाँ से खोल शुरू होता है तो एल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है कि हमारे पास में क्या हो कोई एक ऐसा कोई एक ऐसा कंपाउंड हो जिसके पास में अल्फ़ा हाइड्रोजन ना हो लेकिन एल हो एल हो यानी कि क्या हो सी एच ओ तो हो लेकिन उसके पास में अल्फ़ा हाइड्रोजन ना हो तो इसके एग्जाम्पल देखो मैंने लिख दिया पहले से क्या हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं एच सी एच ओ नॉर्मली C6H5CHO या CCl3CHO ये तीन एग्जांपल हैं इसके और जब इन्हें क्या किया जाएगा आर हीटेड विथ कंसंट्रेटेड NaOH और KOH यानी कि खूब बढ़िया कंसंट्रेशन का बेस आप लेकर के आओ देन वन हैलाइड रिड्यूस्ड इन अल्कोहल्स एंड अदर इज ऑक्सिडाइज्ड इन सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ठीक है तो दो होंगे आपके पास सबसे पहली बात तो नीड कितनी की होगी दो की तो दो में से एक क्या हो जाएगा एक हो जाएगा एक आपका रिड्यूस हो जाएगा किन में एल्कोहल्स में और दूसरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा किस में सोडियम या पोटेशियम के सॉल्ट में अगर एनओ एच लिया है तो सोडियम के सॉल्ट में अगर KOH लिया है तो के तो पोटेशियम के सॉल्ट में चलो भाई देखो रिएक्शन रिएक्शन समझ में आ जाएगी टू एच सी एच लिए ठीक है फॉर्मेलिटी हेड लिए हैं दो किसके साथ रिएक्शन हुई एनओ एच के साथ में हीट करी अब देखो दो एच सी एच ओ है एक किसमें चला गया सी एस थ्री ओ एच में ठीक है एल्कोहल में गया और दूसरा क्या बना देखो एच सी डबल का सॉल्ट बना सिमिलरली लेते बेंजाइलिक थे तो जरूरी ही थी देखो सी सिक्स के साथ बना करके क्या बना सी सिक्स एच फाइव सी एच टू ओ एच तो एक एल्कोहल बन गया यहां पर देखो मैंने क्या लिखा एन ओ एच ले लो या के लो तो यहाँ पर क्या निकलेगा सी सिक्स एच फाइव सी डबल ओ एन ए निकलेगा और अगर के लोगे तो क्या निकलेगा पोटेशियम का सॉल्ट निकलेगा क्लियर चलो भाई कैनीजारो हो गई स्टेटमेंट देख लो कहीं पर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन चल रही है आज तो फिर पढ़ते हैं अगली वाली पर और कैनीजारो की अगली कौन सी है एल्डोल कंडेंसेशन अब देखो कंडेंसेशन का मतलब समझो पहले तो अब फेस तो है नहीं बोर्ड तो आज अवेलेबल है नहीं तो हम लोग क्या करते हैं कंडेंसेशन का मतलब ऐसे ही मैं समझा देता हूं आपको आवाज आप में दो मया दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल आए मैक्सिमम दो ज़्यादातर नब्बे परसेंट केसेस में दो आएंगे तो दो मॉलिक्यूल आए और दोनों ही आपस में क्या कर जाए आपस में जुड़ जाएं। अगर ऐसा होता है अगर ऐसा होता है तो इस फिनोमिना को कंडेंसेशन कहेंगे हम लोग तो देखो क्या होता है इस रिएक्शन में कह रहा है दोस्त कार्बोनिल कंपाउंड अब कार्बोनिल कंपाउंड समझ लो बेटा वर्ल्ड आ गया जिनमें भी सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप पाया जाता हो दिस आर कार्बोनिल ठीक है अब यहां पर यहां पर कुछ भी लगाओ ये वाला प्लेस और ये वाला प्लेस यहां पर कुछ भी लगाओ अगर सी डबल बॉन्ड हो है इतनी चीज है तो कार्बोनिल है ठीक है समझ गए तो कह रहा है कार्बोनिल कंपाउंड हो लेकिन कार्बोनिल कंपाउंड क्या हो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो हैविंग हाइड्रोजन अब अल्फा हाइड्रोजन का मतलब समझो कि हमारे पास में सी डबल बॉन्ड ओ सी हो यहाँ का कार्बन यहाँ का कार्बन इसको कहते हैं अल्फा कार्बन इसको कहते हैं अल्फा कार्बन यहां पे जो हाइड्रोजन है दिस इज अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ के हाइड्रोजन को कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन तो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा ठीक है

पहले वाले रिएक्शन में क्या है पहले वाले रिएक्शन में है मैंने देखो CH3CHO और ये HCH2CHO ये भी CH3CHO है तो दोनों एल्डिहाइड है बेस की प्रेजेंस दी ठीक है और दोनों ही आपस में क्या हो गए देखो कंडेंस हो गए दोनों ही आपस में कंडेंस हो गए और क्या बनाया एल्डोल बनाया दूसरी वाली जो देखो रिएक्शन है एसीटोन लिया है तो एक CH3COCH3 एसीटोन है यहां पर भी देखो CH3COCH3 ये भी एसीटोन है दोनों को बी एोल्टॉइस बीओ छोल्ट यानी कि बेस दिया गया भाई ओइ छोल्ट बेस दिया गया देखो दोनों ही कंडेंस हो गए और क्या बना दिया साफ दिखेगा अब आप दिखेगा आपको साफ ये ये देखो बना कंडेंस होकर क्या बना एल्डोल बना अगर अगली वाली देखो क्या करी, अगली वाली में हम लोगों ने किया एक लिया है सी थ्री सी एच ओ क्या लिया है एक लिया है ये सी एस थ्री सी एच ओ और दूसरा वाला लिया है देखो सी एस थ्री सी ओ सी एस थ्री ये है सी एस थ्री सीओ सी एस थ्री तो ये जो है ये एल डी हाइड है ये क्या है एल डी हाइड है और ये कौन है ये कीटोन है तो कीटोन दोनों ही आपस में मिल गए तो देखो प्रोडक्ट आपको क्लियर अब दिखेगा ये बना आपका एल्डोल जो सबसे लास्ट वाला प्रोडक्ट दिख रहा है वो एल्डोल हो गया ठीक है तो एक बार नोट कर लो भाई एल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है और बढ़ते हैं अगली रिएक्शन पे फिफ्टीन मिनट हो गए हैं इक्कीस पढ़नी है घंटे के ऊपर का वीडियो होगा बहुत आराम से देखते रहो चलिए भाई अगली आती है इसका तो एक्सप्लेनेशन हो चुका है भाई अगर इसको आपको मैकेनिज्म देखनी है तो प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा फ्रीडल क्राफ्ट बना चुका हूं तो इसकी रिएक्शन की मैकेनिज्म आपको मिल जाएगी स्टेटमेंट पे चलते हैं सबसे पहले क्या है कि बेंजीन रिएक्ट वेन बेंजीन रिएक्ट विध आर एक्सरिन की तो रिएक्शन है ये पढ़ रहे हो आजकल मुझसे तो वेन बेंजीन रिएक्ट विद आर एक्स थ्री सीओ सी एल ठीक है एसिडल क्लोराइड होता है इन प्रेजेंस ऑफ एन हाइड्रस एन हाइड्रेस चलो अंडरलाइन करता चलो इन प्रेजेंस ऑफ एन हाइड्रस एल सी एल थ्री देन द हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाई और आर का मतलब एल्किल ग्रुप या फिर सीओ सी एस थ्री ग्रुप दिस रिएक्शन ठीक है चलिए जल्दी समझते हैं देखो बेंजीन थी और बेंजीन ने क्या किया बेंजीन ने क्या किया सी एस थ्री सी एल के साथ पहले रिएक्शन करी

किस में जब आप एमीन पढ़ रहे होगे लेकिन बाई नेम के अगर बेसिस पे चले तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है तो पहले चलते हैं किस पर स्टेटमेंट की तरफ स्टेटमेंट क्या कहता है बहुत आसान सी रिएक्शन होती है ये सबसे आसान रिएक्शनों में से एक है कि वन वन डिग्री अमीन अब देखो वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री बच्चे नहीं हो सब लोग जानते हो कि वन डिग्री अमीन क्या होती है ठीक है वन डिग्री अमीन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म सी एच सी एल थ्री से रिएक्ट करें एंड एल्कोहलिक के ओ एच एल्कोहलिक के ओए एच रखा हुआ हो देन इट प्रोड्यूस क्या बनाती है आइसोसाइनाइड बनाती है क्या बनाती है आइसोसाइनाइड बनाती है दिस रिएक्शन 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 इज नोन इस reaction को आप क्या कहते हो कार्बिल हो चलते हैं रिएक्शन की तरफ तो देखो आपके पास में सबसे पहली बात कि ये जो रिएक्शन है ना ये आपकी एरोमेटिक भी हो जाएगी एलिफेटिक हो एलिफेटिक हो तब भी हो जाएगी और अगर आपके पास में कौन सा ग्रुप हो पीएच हो तब भी हो जाएगी ओवरऑल मैं कहना क्या चाहता हूँ चलो कलर चेंज कर लेता हूँ काफी देर हो गई अब आप कलर आपका कर लो रेड अब क्लियर लगेगा ठीक है अगर आपके पास में आर एन एच टू हो आर एन एच टू तब भी हो जाएगी और अगर पी एच हो तब भी हो जाएगी ये बात बना लो दिमाग में अब देखो रिएक्शन की तरफ तो क्या मिली रिएक्शन हमें सी टू एच फाइव एन एच टू था क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन हुई तीन कोएच पड़े हुए थे मिल क्या गया देखो सी टू एच फाइव सी एन तो आइसोसाइनाइड बना, KCl plus H2O निकल गया। Similarly यहाँ पर क्या लिया? आपको क्या मिला सी सिक्स एंड डबल बॉन्ड सी मिला यानी कि आइसोसाइनाइड मिले तीन के सी एल प्लस एस टू ओ सेम प्रोडक्ट कोई समस्या नहीं ठीक है समझ गए बात को चलिए कार्बिल अमीन को नोट करिए बढ़ते हैं किसकी तरफ बढ़ते हैं किसकी तरफ नवी रिएक्शन की तरफ नई रिएक्शन रिएक्शन की की तरफ की तरफ बढ़ते हैं ठीक है थोड़ा बहुत मजाक कर लेना चाहिए बीच में आठ रिएक्शन पढ़ चुके हो थक गए सब लोग चलो रिएक्शन अरे वाह बहुत अच्छी रिएक्शन आई क्या है स्टेटमेंट पढ़ लो कि वे एरोमेटिक एल ठीक है चलो थोड़ा सा बड़ा कर ले दिखेगा नहीं आप लोगों को क्या दिख रहा है दिख रहा है चलो अब दिख रहा है कि वेन एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्ट विद एरोमेटिक एल्डिहाइड बात बनाओ दिमाग में क्या बोला एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी कि पी एच होगा पी एच होगा साथ में सी एच ओ होगा ठीक है पी एच होगा साथ में सी एच ओ होगा तो एरोमेटिक एल्डिहाइड किसके साथ रिएक्ट करें एलिफैटिक एसिड के साथ रिएक्ट करे? करें किसके साथ रिएक्ट करें बच्चा एलिफैटिक एसिड के साथ ठीक है एलिफैटिक एसिड के साथ तो एसिड जैसे देखो लिखा दीचे सी एच थ्री सी का ओ इन ऑफ सोडियम सोडियम का प्रेजेंट होना चाहिए ठीक है है की रेंज दी 175 से 185 बहुत सारी किताबों में 180 लिखा मिलेगा तो क्या बनते हैं अनसेचुरेटेड एरोमेटिक एसिड्स आर प्रोड्यूस्ड अनसेड डबल बॉन्ड कंटेनिंग मिलेंगे एरोमेटिक होंगे यानी कि फेनिल रिंग तो मौजूद होगी होगी और साथ में क्या होंगे साथ में क्या होंगे एसिड होंगे तो इतनी बात समझ में आई कि जब एरोमेटिक एल्डिहाइड आएगा एलिफेटिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट की प्रेजेंस होगी एक डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होगा तो हमें क्या मिलेगा तो हमें मिलेगा अनसेचुरेटेड एरोमेटिक एसिड्स क्लियर चलो रिएक्शन देखो तो रिएक्शन देखो कैसे रिएक्शन देखो ऐसे कि हमारे पास सी सिक्स एच फाइव सी एच ओ है पी एच सी एच ओ है सी एस थ्री सी होल्ड ट्वाइ ओ है ठीक है एलिफेटिक एसिड है सी एस थ्री सी डब्लो एन ए है ठीक है सोडियम का सॉल्ट है एक सौ अस्सी डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है ठीक है टेम्परेचर रिक्वायर्ड सही है बनेगा क्या सी सिक्स एच फाइव सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल और साथ में क्या लगा सी डब्लू एच देखो सी सिक्स एच फाइव एरोमेटिक है डबल बॉन्ड अनसेचुरेटेड है सी डब्लू एच का मतलब एसिड भी है ठीक है, चलो क्लियर हो गई होगी बात साथ में क्या निकल गया इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन अक्सर पूछा जाता है एक बार तो नीट में भी पूछा गया इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन ठीक है इसका देख लो इसको ध्यान से ये पूछा गया है ठीक है तो क्या हुआ देखो ये था हमारे पास में क्या था साफ कर दूं ये था सिक्स एच फाइव सी एच ओ और एक और हाइड्रोजन ओ एच था और किसके साथ देखो सेम कंडीशन सब कुछ सेम है यहाँ पर क्या लिख लो यहाँ पर लिख लो एक सौ

चलो बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आप लोग चलते हैं बहुत प्यारी रिएक्शन का नाम लिख कर क्या है सामने प्लेलिस्ट में जाओगे तो मिल भी जाएगी आपको भाई 22 मिनट की मैकेनिज्म बताई है मैंने 22 मिनट मैकेनिज्म मायने रखती है एक रिएक्शन को 22 मिनट देना मायने रखता है लेकिन स्टेटमेंट देखो कितना छोटा सा है कि वेन फिनॉल वेन फिनॉल रिएक्ट विद ठीक है वेन फिनॉल रिएक्ट विद सी एच सी एल थ्री सी एच सी एल थ्री तो पहचान गए हो गया यार अब तक ये क्लोरोफॉर्म होती है

एनओ या के लेना था ठीक है के ले रखा है सिक्सटी डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर रहे हैं और क्या मिला ओ OH तो लगा था ओ OH के साथ में जो इसकी ऑर्थो पोजिशन थी वहां पर सी एच ओ आ गया इसी को कहते हैं सेल्सिल एल यही है आपका एल डी साथ में क्या निकला होगा साथ में निकल गया थ्री के सी एल प्लस थ्री एस टू क्लियर दिख रहा है आपको ठीक है तो इसकी मैकेनिज्म अगर देखनी है तो आपको मिल जाएगी बाकी जो जिनकी जिनकी मिल रही है मैं बता दूं एक बार आपको वुड्स की मिल जाएगी वुड्स फिटिंग की मिल जाएगी फ्रेंकलैंड की मिल जाएगी और साथ में किसकी मिल जाएगी फ्रीडल क्राफ्ट की मिल जाएगी और रेमर्टीमैन की मिल जाएगी और किसी की नहीं मिलेगी अभी ठीक है लेकिन मिलेंगे सबकी दिसंबर तक सबकी मिलेंगे इस बात की गारंटी मेरी है चलिए आगे बढ़ते रेमर्टीमैन हो गई दस कंप्लीट चलिए भाई आधा टास्क हो गया है थकना नहीं है लगे रहो अगली है हाफ मैन ब्रोमेमाइड कहते हैं कई लोग कई लोग ब्रोमाइड कहते हैं कई लोग ब्रोमेमाइड कहते हैं जो प्रोनाउंसिएशन करना हो कर लो हमें मतलब है रिएक्शन से तो रिएक्शन क्या कहती है कि वन एल्केट एल्केट क्या होगा आर सी ओ एन एच टू क्या होगा आर सी ओ एनएसटू इस हीटेड विद किसके साथ ब्रोमीन के साथ ठीक है और प्रेजेंस किसकी हो एन एच की हो या के ओ एच की हो इनकी प्रेजेंस हो तो देखो क्या होता है थोड़ा सा पढ़ा करके समझ लो इस बात को थोड़ी सी टफ है रिएक्शन कि तो क्या होता है होता यह है बच्चों कि सी ओ एन एच टू जो होगा सी ओ एन एच टू इसका जो सी ओ ग्रुप होगा वो रिमूव हो जाएगा ठीक है सी ओ एन एच टू का सी ओ रिमूव हो जाएगा तो बचेगा क्या बचेगा भाई एन एच टू और एन एच टू का मतलब एमीन दैट मीन्स दिस इज द प्रिपरेशन मेथड फ्रॉर एमीन चाहे वो एलिफेटिक एमीन हो चाहे वो एरोमेटिक एमीन हो देख लो लास्ट तक पढ़ते पढ़ते अगर एक घंटा पढ़ लोगे ना आज तो आपके दिमाग में पैटर्न बन जाएगा कि हम लोग कहीं से भी कहीं भी जा सकते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन को पढ़ते टाइम तो देखिए चलते हैं क्या होता है रिमूव हो जाता है दिस रिएक्शन रिएक्शन इज नोन एज तो चलिए भाई इसकी रिएक्शन को डिस्कस कर लो थोड़ा सा रिएक्शन को डिस्कस करने के लिए देखो आर सी टू था के साथ रिएक्शन हुई चार दिए गए देखो क्या हुआ CO ग्रुप ये वाला सीओ ग्रुप गायब हो गया तो बचा क्या एन तो केवल आर एन रह गया देखो आर एन आया ठीक है साथ में के टू सी ओ थ्री निकला टू के बी आर निकला टू एच टू ओ निकला ये साइड प्रोडक्ट है इनसे मतलब नहीं है मेजर प्रोडक्ट कौन सा निकला एमीन निकला ठीक है तो यहां पर लिख लेना लिख लो सभी लोग क्या लिख लो लिख लो एमीन फॉर्मेशन एमीन फॉर्मेशन की रिएक्शन है ये ठीक है चलिए अगली बात पर चलते हैं कि अगर हम लोगों ने क्या लिया सी एस थ्री सीओ एन एस टू लिया एक्साम्पल ले लिया देखो आर की जगह सी एस थ्री कर लिया तो सी एस थ्री एन एस टू बन गया देखो मैथिलेमिन बनी ये क्या बनी मेथिल एमिन के टू सीओ थ्री टू के बी आर टू एस टू एसिटिस निकल गए अच्छा अगर सी एस थ्री की जगह क्या ले लू सी एस थ्री की जगह ले लू पी एच तो देखो नीचे वाली रिएक्शन पी एच सी ओ एन एस टू था तो क्या बन गई देखो एरोमेटिक एरोमेटिकमीन बन गई बेंजिल एमीन बनी सबसे आसान वाली बेंजिल एमीन बनी तो क्या है हाफ मैन ब्रोमेमाइट रिएक्शन जो है वो एमीन बनाने की एक बहुत अच्छी रिएक्शन है सबको साफ कर देता हूँ ज़ूम आउट कर देता हूं नोट कर लो सभी लोग ये लो बढ़िया साफ दिख रहा है एकदम नोट करो चलिए बारहवीं रिएक्शन हाफ मैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन तो हाफ मैन मस्टर्ड ऑयल क्या कहती है भाई पहले तो स्टेटमेंट पर चलते हैं स्टेटमेंट कहता है कि वन प्राइमरी अमीन अब देखो प्राइमरी अमीन सभी लोग जान गए हो क्या है प्राइमरी अमीन आर हीटेड विद किसके साथ कार्बन डाइसल्फाइड तो कार्बन डाइ ऑक्साइड तो सबने देखा होगा तो दोनों ऑक्सीजन को किससे रिप्लेस कर दें सल्फर से रिप्लेस कर दें तो क्या बनता है कार्बन डाइसल्फाइड बनता है अच्छा इन ऑफ किसकी देखो मर किसकी मर्क्यूरिक क्लोराइड ये देखो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है एम यू आर आई लिखा है मर्क्यूरिक लिखने से ये मर्क्यूरिक क्लोराइड है मर्क्यूरिक क्लोराइड का मतलब क्या है एच जी सी एल टू है तो क्या बनेंगे बहुत कठिन चीज बनती है देखो भाई कठिन नाम है ध्यान से पढ़ना क्या बनेंगे एल्किल आइसोसाइनेट क्या बनेंगे एल्किल बनेंगे। इस एलकिल दिस रिएक्शन ऑयल रिएक्शन। चलिए रिएक्शन को देखते हैं और क्या बना देखो आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एस और साथ में निकल क्या गई? निकल गई। अच्छा एच टू एस बहुत बदबूदार गैस होती है ठीक है सबको पता होगा लगभग ये हाइड्रोजन सल्फाइड निकलेगी तो आपको पता चल जाएगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो अगर आर की जगह पर क्या ले लें सी टू एच फाइव ले लें एस टू ले लें सी एस टू के साथ रिएक्शन करा दें तो देखो क्या बनेगा अब यहाँ पर तो नाम नहीं लिख सकते थे ना यहाँ पर तो आर है नाम तो जो होगा नेम वो आर पर डिपेंड करेगा तो कैसे बताता मैं एक एल के क्या होते हैं तो हम लोगों ने किया कि आर की जगह देखो सी टू एच फाइव लिया ठीक है और थोड़ा सा क्या कर लो हाँ अब ठीक है क्या लिया सी टू एच फाइव लिया ठीक है अब बना क्या देखो यहां पर एथाइल ग्रुप आया तो बना एथिल आइसोथसाइनेट अच्छा एक चीज बता दूं ये जो थायो वर्ल्ड है ये थायो थायो का मतलब ही होता है सल्फर जहां थायो आ गया ऑक्सीजन हटाई थायो आया इसका मतलब है कि सल्फर होगा तो एथिल आइसोथायोसाइनेट का मतलब क्या बना सल्फर प्रोडक्ट बना किसका नाइट्रोजन सल्फर का कंबाइंड प्रोडक्ट बना चलिए भाई नोट करिए इसको जूमआउट क्लियर है मामला बारह हो गई अगली बढ़ते हैं थर्टीनथ रिएक्शन क्या है लीबरमैन रिएक्शन अब इस रिएक्शन को मैंने बहुत ही शिद्दत से लिखा था तो बहुत अच्छे से इसको देखना क्या है रिएक्शन पहले नंबर पे तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं तो स्टेटमेंट है कि दिस इज़ द टेस्ट फॉर फिनॉल अगर आपके अगर आपके लय में फिनॉल हो आप कैसे टेस्ट करोगे कि फ़िनॉल है और इसलिए ये रिएक्शन क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टेस्ट है किसका पी एच ओ एच का इसका टेस्ट है ठीक है देखिए पढ़ते हैं क्या है कि दिस इज द टेस्ट फॉर फिनॉल ठीक है वेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद एच टू एस ओ फोर एंड एन एन ओ टू देन देखो मैंने क्या क्या होता है ग्रीन कलर अपेयर होता है तो ग्रीन कलर अपेयर होने का मतलब देखो मैंने ग्रीन से उसको लिखा भी था कि ग्रीन कलर आएगा ग्रीन कलर अपेयर होगा और अगर हम जो हमारे पास में आया जो हमारे पास में एच टू एस ओ फो एंड एन ओ टू से रिएक्शन करके आया अगर हम उसमें क्या मिला दें अगर हम उसमें वाटर मिला दें तो ये क्या हो जाएगा रेड हो जाएगा देखो लाल से लिखा है अगर हम इसमें बेस मिक्स कर दे तो ब्लू कलर आएगा देखो ब्लू से लिखा है ठीक है याद कर लो सभी लोग कि जब फिनॉल को ट्रीट किया जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड और एन के साथ तो हमें ग्रीन कलर मिलेगा पानी मिलाएंगे लाल हो जाएगा बेस मिलाएंगे ब्लू हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो फिनॉल है चलिए रिएक्शन देखते हैं तो रिएक्शन की मैकेनिज्म भी क्लियर है यहाँ पर रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है कि सबसे पहले नंबर पर ये दोनों रिएक्ट करते हैं ये दोनों रिएक्ट करेंगे कैसे एन या H2SO4 टू आया एस टू एस ओ फोर आया और एच टू बनाया और एन एच एस ओ फोर बनाया अब देखो एच टू का काम आगे का है वो पहुंचा यहाँ ठीक वो यहाँ पहुँचा और उसने फिनॉल के साथ में रिएक्शन करी और क्या बना दिया आर्थो और पैरा प्रोडक्ट बना दिए ठीक है और क्या जुड़ गया एनो एनो जुड़ गया एक जगह आर्थो पर साफ कर दूं एक जगह पर कहां जुड़ा एक जगह देखो ये आर्थो पोजीशन है और ये वाली कौन सी पोजीशन है ये पैरा पोजीशन है तो आर्थो पर जुड़ा और एक जगह पैरा पर जुड़ा क्लियर ये है आपकी क्या लीबरमैन रिएक्शन या इसे लीबरमैन टेस्ट भी लिख लेना तो गलत नहीं होगा क्लियर पूरी तरीके से चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और अगली कौन सी है नाम देखते हैं रोज एन मुंट रिएक्शन बोलो या रिडक्शन बोलो दोनों ही बातें ठीक है बहुत प्यारी रिएक्शन है बहुत अच्छे से पढ़ना ठीक है तो सबसे पहले स्टेटमेंट पर चलते हैं क्या है स्टेटमेंट कि दिस इज द प्रिपरेशन मेथड फॉर एल अगर आपको एल बनाने हैं तो रोजिन मुंड रिडक्शन से बना सकते हो ठीक है कि वेन एसिड क्लोराइड एसिड क्लोराइड का मतलब समझ गए आर एसिड क्लोराइड का मतलब

पी एच सी एच ओ बना लो यानी कि चाहे आप एलिफैटिक बना लो एल्डिहाइड चाहे आप एरोमेटिक एल्डिहाइड बना लो दोनों ही बनते हैं रिएक्शन देखो कैसे ठीक है तो रिएक्शन देखो सबसे पहले था आर सी ओ सी एल एच टू के साथ अगर आर की जगह सी एस थ्री रख देते तो एसिड एल्डिहाइड बन जाता अगर इसकी जगह सी एस थ्री की जगह क्या रख दें पी एच रख दें तो क्या बन जाएगा बन जाएगा ये इसका मतलब क्या बना इसका मतलब बना बच्चा सी सिक्स एच फाइव CHO दैट मींस एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या बन गया एरोमेटिक एल्डिहाइड तो दोनों ही चीजें बनाई जा सकती हैं तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड लिख सकते हो जब आपको पढ़ाऊंगा मैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड तो पूरी तरीके से ये रिएक्शन वहाँ पर प्रिपरेशन मेथड में भी बताऊँगा. ठीक है 14 हो गई बस कुछ नहीं रह गया छह और बची हैं बस चलिए बढ़ते हैं अगली पर अगली कौन सी है सेंड मायर सेंड मायर मैंने शायद लास्ट लेक्चर में ही बताई है साल लास्ट लेक्चर क्योंकि हम लोग लास्ट लेक्चर पढ़ रहे थे वो कौन सा था वो हम लोगों का लेक्चर था कि हम लोग कैसे हेलो एरिन को बनाते हैं तो यहां पर लिख लो लिख लो ये है प्रिपरेशन मेथड फॉर पी एच एक्स ठीक हेलो एरिन बनाने की है तो हेलो एरिन अगर बनानी है तो क्या करेंगे देखो वेन बेनजीन डाइ क्लोराइड तो सारे वर्ड को पकड़ते चला करो बेंजीन है साथ में डाइएजोनियम क्लोराइड है तो डाइ एजो डाई एजो दैट मीनस एन डबल बॉन्ड एन एंड क्लोराइड मीन सी एल ठीक है एन डबल बॉन्ड एन सी एल है और एक तरफ क्या होगा बेंजीन तो यानी कि पी एच है देखो कितना बढ़िया फुल स्क्रीन पर लिख के आया कि पी एच सिंगल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड सीएल यही होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ठीक अब आगे बढ़ते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर हम किसके साथ करते हैं हेलो एसिड किसके साथ हेलो एसिड हेलो एसिड कौन से एच सी एल एच बी आर एच आई या एच एफ इनके साथ में अगर हम ट्रीट कर दें ठीक है तो लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है हमें करस्पोंडिंग क्यूप्रस हेलाइट लेने होंगे यानी कि सी यू टू सी एल टू सी यू टू बी आर टू सी यू टू आई टू अभी रिएक्शन दिखाऊंगा समझ में आ जाएगा तो क्या बनेंगे तो क्या बनेंगे भाई तो फेनिल बनेगा और हेलाइट बनेंगे यानी कि पी एच एक्स बनेंगे चलिए रिएक्शन देखते हैं रिएक्शन क्या थी सी सिक्स एच फाइव सी सिक्स एच फाइव एंड डबल बॉन्ड एन सी एल देखो ये था एच सी एल के साथ अगर रिएक्शन कराई तो जरूरत है सी यू टू सी एल टू की अगर एच बी आर के साथ रिएक्शन कराओगे तो जरूरत है सी यू टू बी आर टू की और बनेंगे क्या रिस्पेक्टिव क्लोराइड रिस्पेक्टिव नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी एस गैस और एच सी एल दोनों में ही साइड प्रोडक्ट है ठीक है चलिए भाई इसको नोट करिए बहुत अच्छे से ये सेंड मायर रिएशन है इसकी मैकेनिज्म भी बाय नेम वाली सीरीज में बताऊंगा मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया जरूर था लेकिन वहां पर यह ऐसा प्रिपरेशन मेथड ही आपको बताई थी ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे सेंड मायर्स रिएक्शन के नेक्स्ट है कोलबेस रिएक्शन तो कोलबे क्या कहती है पहले चलते हैं स्टेटमेंट पे कोलबे कहती है कि वेन फिनॉल हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर विद सी टू अगर हम लोग फिनॉल को फिनॉल मतलब पी एच ओ एच को हाई टेम्परेचर पे गर्म कर दें सीओ टू के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ बेस ठीक है तो सोडियम देखो क्या वर्ड लिखा है सोल, सोडियम के साथ में सेल्सिलेट इज फॉर्मड ठीक है इस वर्ड को याद करो याद ना करो तो लिख लो कहीं पर कि सोडियम सेल्सिलेट बनता है एंड व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ डाइल्यूट एल इट इज कन्वर्टेड इन टू सेल्सिलिक आप लोगों के लिए थोड़ा सा सुना हुआ वर्ड होगा तो रिएक्शन को देखते हैं और समझते हैं कि कहां पर क्या बन रहा है तो रिएक्शन बहुत प्यारी है फिनॉल दिया हुआ था सीओ दी हुई थी प्रेजेंस ऑफ बेस दिया था तो एनएस दे दिया आप खुद ही कहा है कि हाई टेम्परेचर चाहिए तो कितना चाहिए एक से दो और हाई प्रेशर वन ए पे तो नहीं होगी रिएक्शन तो देखो ये जो प्रोडक्ट आया प्रोडक्ट नंबर ए ये प्रोडक्ट ही आपका क्या है यही है आपका सोडियम का सेलसीलेट ठीक है सोडियम का सेल्सीट है देखो सी डब्लो माइनस आइन टूटेगा ना यहाँ पर यहाँ पर सी डब्लो माइनस आइन टूटेगा तो एट तो है ही है साथ में एन ए प्लस लगा है तो सोडियम का एट है और साथ में क्या है सोडियम सेल है चलिए अब क्या हुआ अगर हम इसे एच के साथ ट्रीट कर दें डायल्यूट एच के साथ ट्रीट करें तो देखो एन के साथ में ये वाला सी निकल जाएगा ठीक है और क्या बनेगा जो हाइड्रोजन है वो जाकर के जुड़ जाएगा यानी कि ये आएगा ये आएगा एसिड क्लियर चलो भाई इसको नोट करो कोलबे को ठीक है साफ हो गया दिख रहा है और नेक्स्ट पे बढ़ते हैं तो क्या मिलेगी हमें हमें मिली बेंजोइन कंडेंसेशन अब देखो वापस से एक बार बर्ड आया कंडेंसेशन कंडेंसेशन मतलब जानते हो समझ गए होगे कि दो मॉलिक्यूल आएंगे और दो मॉलिक्यूल आपस में ही मर्ज हो जाएंगे और एडिशनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे तो कैसे मिलेगा देखो भाई कि वेन एल्डिहाइड ये रिएक्शन एरोमेटिक एल्डिहाइड ही देते हैं तो वेन एल्डिहाइड आर बॉइल्ड बॉइल्ड का मतलब उबाल दिए जाएँ बिल्कुल और किसके साथ में विद एल्कोहलिक केसियन ठीक है पोटेशियम साइनाइड के साथ में अगर हम लोग क्या कर दें बॉयल कर देने तो देन टू मोलिक्यूल ड्यू टू कंडन फॉर्म्ड हाइड्रोक्सी कीटोन एल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का मतलब समझे समझो मतलब यार हाइड्रोक्सी का अभी कितने पैंतीस मिनट हुए हैं बहुत अच्छे समझ लो कीटोन का मतलब सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री और सी थ्री यही तो होता है कीटोन का मतलब या सी थ्री नहीं तुमको अच्छा लग रहा तो भाई कीटोन ये समझ लो कि सी होगा डबल बॉन्ड ओ होगा एक आर होगा एक आर होगा अब एल्फा हाइड्रोक्सी तो आर है अगर मान लो आर की जगह सी थ्री था इसका एक हम लोगों ने क्या करा एक हाइड्रोजन जो सी थ्री लगा था उसका एक हाइड्रोजन हटाया और वहां पर कौन जोड़ दिया ला करके ओ जोड़ दिया कहने का मतलब बच्चा ये है कि ये बनाया देखो सी डबल बॉन्ड ओ एक तरफ सी एस थ्री या क्या लिख सकते हो आर दूसरी तरफ सी एच टू एंड

ये सीओ दिख रहा सीओ के बगल में क्या दिख रहा है दिख रहा सीओ के जस्ट बगल में यानी कि ये वाला ओ OH कैसा है एल्फा हाइड्रोक्सी एल्फा पोजीशन पे जुड़ा है और इसी को हम लोग क्या कहेंगे बेंजोइन कहेंगे ठीक है समझ में आ गई चलिए नोट करिए भाई इसको भी क्लियर कर दो सब स्क्रीन क्लियर नोट करिए तो सत्रह हो गई बस अट्ठारह उन्नीस और बीस इक्कीस तो सगुन के लिए होगा चलो भाई अट्ठारह कौन सी रिएक्शन है इटाल्ट बढ़ते हैं इसके स्टेटमेंट की तरफ तो इटार्ड क्या कहती है कि द इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड फिर से आई कार्बन डाइसल्फाइड टालुइन इज ऑक्सीडाइज बाई क्रोमिल क्लोराइड टालुइन का हमें ऑक्सीडेशन करना है क्रोमिर क्लोराइड के साथ में ठीक है और ये क्या बनाती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाती है चलो बहुत कुछ लिखा तो थोड़ा सा जूम कर देता हूं ठीक है क्या बनता है क्या बनता है क्रोमिल क्रोमिल क्लोराइड का एडिशनल कंपाउंड बनता है है ठीक जो क्या होगा, ब्राउन इन कलर, जो रंग में भूरा होगा. और पी तो एच मतलब के साथ में आपका सी एच ओ आ जाएगा क्लियर इतनी चीज होगी चलिए देखते हैं रिएक्शन क्या हो रही है तो रिएक्शन है देखो एच सी था जस्ट सेकेंड हा क्या था

कह दिया उसने कि सी सिक्स एच फाइव सी एच थ्री था और उसने पहला स्टेप दे दिया सी आर ओ टू सी एल टू और दूसरा स्टेप दे दिया उसने पानी तो आपको सीधे डायरेक्ट मेजर प्रोडक्ट बताना था कि क्या आएगा तो सी आर ओ टू सी एल टू से आपका क्या बना होगा ये बना होगा और जब पानी के साथ गर्म किया होगा तो ये बना होगा यानी कि ओवरऑल प्रोडक्ट आपका क्या हो आया होगा बेनजेटी आया होगा तो चलिए नोट करिए इसको स्क्रीन क्लियर करता हूँ ये चलो भाई नोट कर लो ये हो गई आपकी इटाल्टिएक्शन अच्छा इटाल्ट रिएक्शन के बारे में एक चीज़ और लिख, लिख लो सब लोग कॉपी पर अब जब लिखी रहे हो लिख लो इट इज द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड ये एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाती है भाई ये जो बना है ये जो बना है ये एरोमेटिक एल्डिहाइड ही तो है तो एरोमेटिक एल्डिहाइड की प्रिपरेशन भी है ये ठीक है समझ गए चलिए बढ़ते हैं अट्ठारह के बाद उन्नीस क्लीमेंसन रिएक्शन ठीक है तो क्लीमेंसन रिएक्शन बोलो या इसे भी क्या बोल लो इसे भी क्लीमेंसन रिएक्शन के साथ में एक चीज और लिख लो बड़ा बड़ा लिख देता हूं रिडक्शन लिख लो क्या लिख लो क्लीमेंसन रिडक्शन अभी पता चलेगा क्या है लिखा रहा हूं मैं आपको इसे क्लीमेंसन रिडक्शन तो सबसे पहले नंबर पे सबसे पहले नंबर पे तो इसके टर्म पकड़ो सारे कोई दिक्कत ना हो क्योंकि देखो एक चीज तो क्लियर है कि सारी रिएक्शन मैकेनिज्म एक साथ में पढ़ाना संभव नहीं था तो जो टर्म है अगर उनको ही नहीं समझोगे तब तो दिक्कत होगी तो उतना तो समझना पड़ेगा तो सबसे पहले नंबर पर क्या है जिंक अमलगम अब बताओ जिंक अमलगम क्या होता होगा जिंक को पारे में मिला दो जिंक अमलगम तैयार तो देखो जिडन एच जी एच जी तो जिंक अमलगम एंड कंसनट्रेटेड एच तो कंसनट्रेटेड एच का मतलब हुआ कि भैया हाइयर कंसनट्रेशन का क्या लेकर के आओ आप एच सी एल लेकर के आओ कैन रिड्यूस द सी ओ ग्रुप सी ओ ग्रुप का मतलब कार्बोनियल ग्रुप इन सी एच टू तो देखो कितने प्यार से समझो बहुत प्यार से क्या बनाना है सी डबल बॉन्ड ओ था और बन गया सी एच टू तो यहां से यहां आने में क्या हुआ कहोगे सर जी माइनस हुआ ऑक्सीजन और प्लस हुआ H2 तो ऑक्सीजन का निकलना भी रिडक्शन है H2 का जुड़ना भी रिडक्शन है तो ये क्लीमेंसन रिएक्शन एक रिडक्शन रिएक्शन है क्लियर हो गई बात चलिए आगे बढ़ते हैं अब क्या हो रहा है क्या हो रहा है कि फ्रॉम दिस रिएक्शन एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी कन्वर्टेड इंटू हाइड्रोकार्बन तो हाइड्रोकार्बन अगर हमें बनाने हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन से तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस रिएक्शन का उपयोग कर सकते हैं चलिए देखते हैं रिएक्शन क्या होंगी थोड़ा सा हाँ ये आई रिएक्शन तो रिएक्शन क्या होंगी देखो ये हमारे पास था एक जनरल रिएक्शन है कि हमारे पास में एक कीटोन था चार हाइड्रोजन लिए नेसेंट हाइड्रोजन है हमारे पास में जिंक अमलगम की प्रेजेंस है और जो सीड ऊपर ही लेक चुकी होगी सी डबल बॉन्डो किस में चेंज हो जाएगा सी एस टू में तो देखो सी डबल बॉन्डो की जगह कौन आ गया सी एस टू आ गया तो ये क्या हुआ आपका हाइड्रोकार्बन हुआ क्लियर वाटर ऐसा साइड प्रोडक्ट है अगर आर आर की जगह पर क्या ले लें हम लोग क्या ले लें हम लोग ले लें ले भाई ये हम लोग ले लें एसीटोन तो दोनों ही क्या कर दिया सी एस थ्री कर दिए तो सी एस थ्री सी एस थ्री अब देखो इसको बदलना है हमें केवल तो इसको बदल देंगे सी एस टू में तो देखो ये वाला सी एस थ्री एसिडिस ये वाला सी एस थ्री एसिडिस ये वन है ये टू है तो ये वन है ये टू है और बीच का सी डबल बॉन्ड वो देखो किस में कन्वर्ट हो गया सी एस टू में कन्वर्ट हो गया तो क्या मिला आपको प्रोपेन मिला नॉर्मल सा हाइड्रोकार्बन वाटर एससाइड प्रोडक्ट अच्छा देखो अगर हम लोग क्या करते हैं इस वाले अगर हम लोग क्या करते हम लोग देखते कि यहाँ पर एक तरफ हाइड्रोजन होता तो देखो बहुत प्यार से समझना ये रिएक्शन आती है खेल खिलाने के लिए कभी कभी कि इसको देखो ये क्या है आपका सी एस थ्री सी एच ओ है सिटेल डिहाइड है ठीक है तो अगर हम लोग इसको इस तरीके से ओपन करके लिखे तो तो समझ में आ जाएगा अगर ओपन करके ना लिखा होता तो नहीं समझ में आता तो फोर एच के साथ में फोर नेसेंट हाइड्रोजन के साथ अगर जेडन अमलगम की प्रेजेंस है तो क्या मिला हमें देखो ये बदल गया सी एस टू में तो देखो सी एस थ्री सी एस थ्री लिख दिया तो नहीं समझ में आएगा लेकिन अगर ये लिखे कि हाँ ठीक है ये किस में बदला होगा

ईथर ईथर ये ether की प्रिपरेशन है ठीक है अब ईथर बताओ ईथर के लिए क्या करना है एल्किल ग्रुप को बुलाना है को बुलाओ आर ओ आर ठीक है तो आर ओ आर ही क्या होते हैं ईथर होते हैं तो देखो ईथर कैसे बनेंगे पहले तो चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कह रहा है कि दिस इज द प्रिपरेशन मेथड फॉर ईथर और साथ में क्या कह रहा है और साथ में कह रहा है कि सोडियम और पोटेशियम इथोक्साइड

चलिए रिएक्शन देखते हैं तो रिएक्शन पहली वाली तो जनरल लिखी हुई है क्या लिखी हुई जनरल रिएक्शन कि अगर देखो एन ए के साथ में एक्स निकल जाएगा ये सबसे फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी है तो एन एक्स निकल गया बचा क्या आर ओ यहाँ का बचा आर डे यहाँ का बचा तो मिला क्या आर ओ आर कि इथर मिला नॉर्मल रिएक्शन देखते हैं तो सी टू एच फाइव ओ एन ए था ठीक है सोडियम का एथोक्साइड ही देखो लिया गया यहां पर भी C2H5ONA है तो सोडियम का एथोक्साइड लिया गया है I CH3 से क्या कर दी रिएक्शन तो साफ बात है NAI निकल गया NAI निकल गया तो क्या मिला हमें हमें मिला C2H5 के साथ में CH3 और बीच में कौन ऑक्सीजन तो देखो क्या यही मिला हाँ बिल्कुल यही मिला C2H5OCH3 NAI सिमिलरली अगर C2H तो ये देखो अनसिमेट्रिकल ईथर था ये कैसा था सेमेट्रिकल ईथर है क्योंकि एक तरफ एक कार्बन है दूसरी तरफ दो कार्बन है नाम क्या लेकिन अगर हमें बनाना हो तो, क्या करेंगे? तो यहां भी सी टू एच फाइव लिया तो यहां भी सी टू एच फाइव ले लिया यानी कि दोनों ही तो क्या मिला सी टू एच फाइव ओ सी टू एच फाइव ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा नाम यूज कर लो इसका इथाइल ईथर क्लियर पूरी तरीके से चलिए भाई समझ गए हो सारी बातें तो नोट कर लो क्लियर हो गई चलिए बीस कहा था लेकिन है इक्कीस शुभ संख्या लेकर के चलना चाहिए अगली है क्लेजन कंडेंसेशन फिर से वर्ड आया कंडेंसेशन मतलब मतलब क्या दो मॉलिक्यूल आएंगे आपस आप में जुड़ जाएंगे हो सकता है कोई साइड प्रोडक्ट निकाले हो सकता है ना भी निकाले तो यहां पर क्या है पहले स्टेटमेंट देखते हैं तब क्लियर होगा कह रहा कि इन दिस रिएक्शन टू मॉलिक्यूल ऑफ एल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग ईथर एल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग ईथर यानी कि जो सी ओ आपका बॉन्ड होगा उसके पास वाले उसके पास वाला जो कार्बन होगा उसके पास में हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा एल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ एल्फा हाइड्रोजन होगा ठीक है तो अगर एल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग ईथर हैं ठीक है तो क्या बनेगा फ्रॉम कीटो फ्रॉम कीटो एस्टर तो क्या बनाते हैं कीटो एस्टर बनाते हैं अब बताओ कीटो एस्टर क्या तो देखो बच्चा कीटो मतलब सी डबल बॉन्ड ओ यहां पर आर होता उधर भी आर होता तो कीटो ठीक है, लेकिन अब हमें बनाने क्या है कीटो एस्टर तो यहां पर तो देखो सीधी बात है कार्बन आएगा हंड्रेड परसेंट लेकिन कीटो के साथ में एस्टर भी होगा तो एस्टर का मतलब क्या होता है एस्टर का मतलब होता है सी हो डबल बॉन्ड ओ हो सिंगल बॉन्ड ओ हो सिंगल बॉन्ड सी हो ये एस्टर होता है ठीक है तो देखो क्या है समय कीटो एस्टर मिलते हैं तो चलिए रिएक्शन देखते हैं बाई कंड अच्छा पूरा स्टेटमेंट तो कर लो कह रहा है कीटो एस्टर बाई कंडेंसेशन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एथॉक्साइड तो सोडियम एथॉक्साइड तो तो की प्रेजेंस होगी तो एन की प्रेजेंस है किसकी प्रेजेंस है एन की ई मतलब इथाइल होता है तो एन -e की प्रेजेंस है चलिए रिएक्शन देखते हैं अंतिम रिएक्शन है बहुत आराम से देख लो एक घंटे से कम में कर ले गए आप लोग तो सी एस थ्री सी डब्लू सी टू एच फाइव ठीक है देखो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग ईथर था सिमिलर वहां भी लिया गया एच टू सी डबल ओ सी टू एच फाइव और प्रेजेंस किसकी है सोडियम एथोक्साइड की तो देखो क्या मिला एथाइल एसिटो एथाइल एसिटो एसीटेट एसी एसी अब हम कहें क्या ये कीटो एस्टर है क्या ये कीटो एस्टर है तो देखिएगा ध्यान से ये वाले सीओ को देखो इसके एक तरफ कार्बन इसके दूसरी तरफ भी कार्बन ठीक है तो ये तो है भाई कीटो तो है सी डबल बॉन्ड ओ है जस्ट सेकेंड ये तो फोन का उत्तर आया ठीक है क्या है सी है डबल बॉन्ड ओ है यहां पर सी थ्री है और यहां पर क्या है सी एच टू है तो भाई कीटो तो है अब जरा इसको देखो तो इसके यही वाला सी टू जो है यही वाला सी एच टू किससे जुड़ा है ये कार्बन से जुड़ा है फिर कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है फिर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है फिर सी टू एच फाइव है तो देखो क्या कीटो एस्टर है तो दिस इज द कीटो ये इतना कीटो और ये देखो एस्टर ये एस्टर तो कीटो एस्टर है ये ठीक है साथ में क्या निकला एथाइल एथाइल्कोहल निकला तो ये साइड प्रोडक्ट में हो गया चलिए भाई इसको भी नोट कर लीजिए क्लियर तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही आज हम लोगों ने 21 बाई नेम रिएक्शन कंप्लीट करी है ठीक तो इनको रिवाइज करिएगा इनको एक कॉपी पर नोट कर लीजिएगा जिस कॉपी पर आप बाई नेम बना रहे हो उसी पर आप लोग नोट कर लीजिए इसे और जब जब मैं जिसकी जिसकी मैकेनिज्म कराऊं उसे रिवाइज करिए और मैकेनिज्म को बनाइए ठीक है तो ये पूरा वीडियो जो आज पचास मिनट का बना है ये केवल और केवल आपके रिविजन पर्पज के लिए है कि जब आप बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो या, या जब भी आप कोई पेपर देने जाओ तो आप इस वीडियो को एक बार से क्या कर लो देख लो और आपकी लगभग सारी इंपॉर्टेंट बाई नेम रिएक्शन हो जाएंगी क्लियर चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी वापस से हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स पर ठीक है और उसके बाद में हम लोग कंटिन्यू करेंगे एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर को तब तक के लिए थैंक यू सो मच अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो ये वीडियो बच्चों के काम का है इसको शेयर जरूर करिएगा अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू सो मच